Hello friends and welcome back to Chiki's Biology, another video tutorial. Today we will discuss on the topic Cybrids. आज हम लोग बात करेंगे Cybrids की और Cybrids के बारे में यहाँ पे हम लोग आज overall study करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से method हैं जिन methods के through हम लोग अपने Cybrids को यहाँ पे form कर सकते हैं या produce कर सकते हैं. तो friends अपने ओवरऑल टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक जनरल पॉइंट पे डिस्कस करते हैं. साइब्रिड्स होते हैं हमारे कॉन्वेंशनल हाइब्रिड्स. हाइब्रिड्स होते हैं हमारे ये हाइब्रिड्स मीन्स होता है कि आपने एक कंपोनेंट ये लिया, सेकंड कंपोनेंट आपने ये लिया, देन इन दोनों कंपोनेंट को आप लोगों ने मर्ज कर दिया तो आपका जो थर्ड कॉम्पोनेंट आया वो जो कॉम्पोनेंट है उसी कॉम्पोनेंट को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड. यानी टू कंपोनेंट को मिला के जो थर्ड कंपोनेंट आप लोगों ने डेवलप किया है उस कंपोनेंट को या उस स्ट्रक्चर को आप लोग बोलेंगे हाइब्रिड्स. और ये जो ओवरऑल प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन. तो ऐसे ही हम लोग सेम आज यहाँ पे स्टडी करेंगे साइब्रिड्स की और जिस मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग साइब्रिड्स को बना रहे हैं उस मैकेनिज्म या उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं साइब्रिडाइजेशन. तो ये बात हो गई हमारे साइब्रिडाइजेशन की. अब हम लोग बात करते हैं कि क्या होते हैं साइब्रिड्स. तो साइब्रिड्स जो हमारे होते हैं, सपोज दैट हमारे पास एक हमारा ये प्लांट है, देन हमारा दूसरा प्लांट ये है. तो इस प्लांट से हम लोग लेंगे ओनली न्यूक्लियर जीनोम और इस प्लांट से हम लोग साइटोप्लाज्मिक जीनोम लेंगे और इस प्लांट से हम लोग साइटोप्लाज्मिक जीनोम लेंगे. यानी जो साइटोप्लाज्मिक जीनोम है वो हम लोग बोथ प्लांट से लेंगे बट जो न्यूक्लियर जीनोम है वो हम लोग सिर्फ एक प्लांट से लेंगे, देन उसको मर्ज कर देंगे. तो जो हमारा यहाँ पे प्लांट बनेगा या जो हमारी स्ट्रक्चर बनेगी या जो हमारा रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को हम लोग बोलते हैं साइब्रिड. और जो हमारा पूरा मैकेनिज्म है ये इस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं साइब्रिडाइजेशन. तो ये बात हो गई हमारे साइब्रिडाइजेशन प्रोसेस की. अब हम लोग अपने और ऑल जो हमारे यहाँ पे पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे साइब्रिड्स के साथ में डील करते हैं. तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आप लोगों को बताया जो साइब्रिड्स हमारे होते हैं वो हमारे कॉन्वेंशनल हाइब्रिड्स होते हैं और हाइब्रिड कैसे बनते हैं मैंने आप लोगों को बताया. बट हम लोग जिस यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं जिस प्रोसेस की या जिस टॉपिक पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है हमारा साइब्रिड्स और जो हमारा प्रोसेस है वो है हमारा यहाँ पे साइब्रिडाइजेशन. तो हम लोग बात करते हैं अपने पॉइंट पे. द प्रोसेस ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ साइब्रिड्स इज नोन एज साइब्रिडाइजेशन. ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. इन साइब्रिडाइजेशन हेटेरोजाइगोसिटी ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम मटेरियल कैन बी ऑब्टेन. ये हमारा इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पॉइंट है. अब यहाँ पे हमारे चार मेथड होते हैं, हमारे फोर मेथड होते हैं जिन फोर मेथड्स के थ्रू हम लोग अपने साइब्रिड्स को यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, अपने साइब्रिड्स को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं. तो हम लोग अपने फर्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट जो हमारा मेथड है वो हमारा सिलेक्टिव एलिमिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर फ्यूजन. तो ये इस मेथड के थ्रू आप लोग साइब्रिड्स को बना सकते हैं. सेकेंड जो मेथड है फ्यूजन ऑफ अ नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट विद ई न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लास्ट, ये हमारा सेकेंड मेथड है. थर्ड जो हमारा मेथड है एलिमिनेशन ऑफ वन ऑफ द न्यूक्लियाई आफ्टर हेटेरो कैरियन फॉर्मेशन. फोर्थ जो हमारा मेथड है फ्यूजन बिटवीन अ नॉर्मल प्रोटोप्लास्ट एंड अ प्रोटोप्लास्ट कंटेनिंग नॉन वाइबल न्यूक्लियस. तो ये यहाँ पे चार हमारे मेथड थे, फोर हमारे मेथड थे जिन मेथड के थ्रू हम लोग साइब्रिड्स फॉर्म कर सकते हैं, साइब्रिड्स को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स ये फोर मेथड आप लोगों को समझ में आए होंगे, आप लोगों ने अच्छे से इन फोर मेथड्स को अंडरस्टैंड किया होगा. और जो एक ओवरऑल आउटलाइन है साइब्रिड्स के रिगार्डिंग या साइब्रिड्स के अबाउट वो है हमारी कि साइब्रिड्स को कैसे आप लोग फॉर्म करेंगे, कैसे आप लोग उसको बनाएंगे. तो मैं आप लोगों के साथ में दोबारा से फिर इसको डिस्कस कर लेता हूं, दोबारा से फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि आप लोगों को क्या करना है. न्यूक्लियर जीनोम जो है आप लोगों को एक पेरेंट से लेना है यानी एक प्लांट से लेना है, बट जो साइटोप्लाज्मिक जीनोम है अगर आप लोग साइब्रिड्स को बना रहे हैं वो आप लोगों को बोथ पेरेंट्स या बोथ प्लांट से लेना है, देन उसको मर्ज करना है, आप लोगों को एड करना है. जो आपका रिजल्ट होगा वो आपका साइब्रिड होगा यानी साइब्रिड प्लांट भी हो सकता है, साइब्रिड
हाइब्रिड क्रॉप भी हो सकता है। तो ऐसे आप लोग साइब्रिड्स को फॉर्म कर सकते हैं, और जो आपका मैकेनिज्म है साइब्रिड्स को फॉर्म करने का, उस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं साइब्रिडाइजेशन, यानी साइब्रिडाइजेशन के थ्रू आप लोग बना सकते हैं अपने साइब्रिड्स को। और साइब्रिड्स जो हमारे होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेंशनल हाइब्रिड्स। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपके लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। सो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्वेरी है, तो उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करना ना भूले। मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में भी आप लोगों को ऐसी वीडियो प्रोवाइड कराता रहूं, तो प्लीज फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।